केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। दिल्ली से मेरठ तक बन रही देश की पहली रीजनल रैपिड रेल के फर्स्ट फेज का शुभारंभ इसी महीने होने जा रहा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबे इस स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। माना जा रहा है कि 16 से 18 अक्टूबर के बीच कोई भी तारीख तय की जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के आने से पहले सभी तैयारियों को देखना चाहते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंच सकते हैं और वहां हो रही तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। इसी के चलते पहले गाजियाबाद के डीएम और कमिश्नर ने सोमवार को तैयारी का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र, डीएम राकेश कुमार सिंह ने एनसीईआरटी अफसरों के साथ सोमवार को रैपिड एक्स के तैयार हो चुके स्टेशनों का दौरा किया और कहा जा रहा है कि उद्घाटन के बाद एक जनसभा होगी। इसके लिए वसुंधरा सेक्टर 8 स्थित मैदान में मंच बनाने की तैयारी चल रही है। सोमवार को यहां दिन भर साफ सफाई का काम चलता रहा। हालांकि पीएमओ से लिखित प्रोग्राम आने का इंतजार है। 42 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का पहला सेक्शन गाजियाबाद में साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो होगा। पहले सेक्शन की लंबाई 17 किलोमीटर है। इसके बीच में कुल 5 स्टेशन हैं जो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। यहां रैपिड रेल को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाकर उसकी हर केबल की टेस्टिंग की जा चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।